ये मीरा शिदाबाद मेरा जितना पब्लिक लेके आया मन मर्जी से जिला मेरा में जो का काम है काम करे आधा पब्लिक को चोर के आधा को एम एल होते हुए भी बीवराम वागे जी ने स्टेट का प्रेसिडेंट भी है फिर भी ये हम लोग का बस्ती को काम नहीं कर पाया जैसे आप देख पाएंगे यहाँ अभी जहाँ आप चल रहे हैं ये भी खराब है यहाँ कोई बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन तबियो सो आज तक बैकवर्ड क्यों किस लिए हो सकता है परजन जो विधायक है उनको जो प्राइमरी दू वो करना चाहिए था पिछली बार जब वो विधायक में उतरे थे आपने भी साथ दिया लेकिन ऐसे ना हो कि दंगली गोलो कल को अपने केंद्र वापस ना ले सब देखेंगे सब को जानना चाहिए दंगली गोलो अगर जीतेंगे दो हजर, तो को तो आप तपेशों के लिए क्या चेंजेस लेके आएंगे गोलो जो ट्वेल्थ पाकि कैसंग से आपको पता है एम एल करने जा रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इलेक्शन में तो आज यहाँ पे आप सबको पता होगा कि हमने थोड़ा तो सा दिखाया वो तपे पे आया है यहाँ पाकि केसंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ का कुछ लोग हैं यहाँ का आमा मतलब कुछ बुजुर्ग भुजूर, बुजुर्ग लोग हैं गांव के लोग हैं उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनसे मिलके कैसा लगा

दूसरा आदमी नहीं, और मेरा मेरा दूसरा नहीं। है और मेरा एम एल दादा भी बीवरा में दूसरा आदमी नहीं है एक भैया है और डोंगली को नाम एक अंकल है इसको लीडर का मतलब अभी जांच करने से अभी आने वाला जो लीडर है अभी डोंगलो डली अंकल जो आ रहा है आ रहा है बोला इसको तो अच्छा है कि नहीं हम तो अभी तक मालूम नहीं अच्छा हो नहीं तो हम सपोर्ट दे देगा कोई चिंता का बात नहीं है इसलिए ये बात जो है व्यूराम और जिला मैडम जो है हम लोग बस्ते का आदमी है लेकिन इसको चुन देख के अभी हम लोग ये बीजेपी गवर्नमेंट से आ, अलग होना साथ होना पड़ेगा अलग होना पड़ेगा ये सीधा बात ये मेरा पक्का वादा है मैं आपके भी दिन में मेरा भी ग्राम का बीजेपी का बीजेपी लीडर है ना बीजेपी बीजेपी को हम जो रिजर्वेशन दे के का पास में हम आ जाएगा ये मेरा सीधा मेरा जितना पब्लिक लेके आएगा पर है दादाजी जो बीवरा में जो हमको कर पाने के का तुम कर पाने जगह नहीं है आ, आ, क्योंकि अब कम नहीं किया है ना है कि नहीं काम अभी तो आप लोग दे दे आए ना काम नहीं किया है ना कुछ भी वो अभी तो स्कूल भी चला गया देखो स्कूल चला गया प्राइमरी स्कूल चौथा है ना ये भी चला गया आई का मन मर्जी से जिला मैदान जो का, का में काम है काम करे आधा पब्लिक को चोर के आधा को यूज करता है और तो इसको शायद करना पड़ेगा अब उनको बहुत नहीं मारेगा नहीं मारेगा हम ये डूंगली को शादी हम बीजेपी को रिजाइन करके डूंगली गोलों को हम ज्वाइन करेगा चलो उंगलू तापस गोला बीजेपी के लिए आया आए रोड कम्युनिकेशन केस है उसका बाद वाटर सप्लाई केस है लाइट केस है रोड कम्युनिकेशन केस है एम होताबर केस है उसको विजिट करने आया ढूँगली गोलो वो अच्छा लगा बहुत खुशी लगा लेकिन वो एमएलए एम एल होते हुए भी बीवराम वागे जी ने स्टेट का प्रेसिडेंट भी है फिर भी ये हम लोग का बस्ती को काम नहीं कर पाया और वो मंगजंग दो और सो लोग को लो सो बिजिक मोलो और ना से मूंग लो आले पाए पा नाम पम का जितना भी बुजुर्ग है जितना भी बुरी बुरा है और यूटे वो बहुत वेलकम किया अरे मैंने उन को तो लो बहुत अच्छा पाया और वो लोग नेक्स्ट 2024 इलेक्शन में हम लोग देखते हैं जो अच्छा काम करेगा उस उसको हम लोग देगा और दोबारा ये बीजेपी को हम लोग वोट देने के लिए बहुत ये ना अच्छी तो है दो आगे बढ़ते रहिए पीछे में है हमारा बीच में अभी माता जी भी है यहाँ का तपियोसो का है रहने वाले तो आज अनेश ना मैं वो एम एल ए कंटेस्ट करेगा बोल के मैं एम एल कंटेस्ट मतन कर लो गुलम का बापा और नुलम कातम तबापा बापा का दुंगली गोलो बिलाई ना ए वो ना पालोर पुरा नोमियाम पा सोल नोमियाम लोगलाई

रिटर्न वाला को मुले लोपा ते अभी तो रित नो सीज़ा प्रेजेंट नुल गए एमएलए ब्यूरम बागे ओ तो नो, तो नो दो दो हम बहुत जितन नेक्स्ट बार 2020 पर इलेक्शन है मां नो दोंगलिंग साथ जितता या पांग हम देरी काम होते मुझे पाको अच्छा माने दोंगलिंग ही अच्छा तो माताजी का कहना है इनका दोंगली गोलो दो जबान है नो जबान है तो उनको साथ देंगे इनका ये कहना है दोस्तों आप सब सुना होगा वैसे यहाँ का गांव वाला तपियसों में सबसे पकी केसिंग का सबसे इंटीरियर जगह पे आए हैं हम तो अभी हम वापस जा रहे हैं लेकिन जाने से पहले हम आखिरी में दंगली गोलो जो कि ट्वेल्व पकी केसिंग से जो इस बार uh, 2024 में एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहा है और वो यहाँ का लोग को उसका जितने भी कंटेस्ट कर रहा है वहाँ का कॉन्स्टिटेंसी का जितने भी uh, लोग हैं उनको मिल मिल रहे हैं जोरों से पूरा जगह जितने भी उसका अंतर्गत आते हैं तो उनको पूरा कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे आज तपियोस पे आया है अभी जिस वक्त हम चल रहे हैं इसमें आप सबको बता दूँ वहाँ आगे जब हम बो बोलेगा तो लसुंगपति एक विलेज है पके के अंदर ही आते हैं वहाँ से मैंने हम सब दो या ढाई घंटे पैदल मारा तो अभी फिर वापस जा रहे हैं लेकिन आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है आज दोंगली गो यहाँ पे और उनके साथ बहुत सारे लोग भी आए हैं तो गाँव वाले से मिला लेकिन उनका मकसद क्या है मेन मकसद क्या है वो अभी इलेक्शन आ रहा है क्या किस वजह से इस गाँव में आया पहले विजिट तो नहीं किया हमें ये सुनने को आया लेकिन हम उनसे ही जान जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हाँ सर आज आपका यहाँ पर पाकि का तपिसों में आना इसका मेन मुद्दा क्या है आपका थैंक यू ए टी थी वी मेरा आज यो तापियोशो में जो आना है ये पाकि केसंग डिस्ट्रिक्ट का द दाउ लास्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द पाकिशन डिस्ट्रिक्ट और नॉर्डर्न पार्ट में ही हम लोग का तंगरी यह वलेज है तो मैं चाहता हूँ कि इनका जो कम्युनिकेशन क्या है जो ग्राउंड रियलिटी क्या है तो इसलिए मैं ताप्योसो में आया हूँ और ये मेरा एक इमोशनल एक आ, Uh, एक अटैचमेंट मैंने एक अटैचमेंट का एक बस्ती भी है मेरा एक बुरी एक मैंने मेरा दीदी यहाँ रहती है uh, यहाँ में इसका बार यहाँ का लोग कैसा है कम्युनिकेशन क्या है उनको मैं देखने आया हूँ और मैं रोड सर्वे हम लोग में हम लोग का अभी टीम जो दंगड़ी गलो जो है रोड मेप सर्वे फॉर द मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर उनके लिए मैं ये का और ग्राउंड रियलिटी का क्या जो एजुकेशन का जो टेली कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का उनका जो मैं ग्राउंड में जो आपका हेल्थ सेक्टर का जो प्रैक्टिकल ग्राउंड को मैं सर्वे करके घूम रहा हूँ तो ये सर्वे जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा जाके उन उसके जरिया से मैं मैनीफेस्टो को उनके ज़रिया से मैं जो इस पर रिक्वायरमेंट उनका मैनीफेस्टो के मैं जाऊँगा प्रैक्टिकली में मैं प्रैक्टिकली में जाके मैनीफेस्टो को उनके माध्यम से तैयारी करूँगा और कैंपेन जो जो जहाँ रिक्वायर है वो उसको भी करके जाता हूँ और जहाँ जो सर्वे रिक्वायर है उनको भी मैं करके जा रहा हूँ जो तप्यसों का आने वाला रोड मैप सर्वे हम लोग टीम दंगली गोलों ने हम लोग तैयारी किया कि हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड में सर्वे करना है तो उसी में हम बो, मिशन बहुत बो, बो, सालों से तपयस जो है रोड कनेक्टिविटी से दूर है अभी भी कुछ बना है दो और उन्नीस में कुछ बनाया है हमें ये सुनने को आया है लेकिन कम्प्लीट नहीं है जैसे आप देख पाएंगे यहाँ अभी जहाँ आप चल रहा है ये भी खराब है यहाँ कोई वाहन नहीं जा सकते हैं इसका तप्यसो में बहुत ज़्यादा उन लोग समस्या बताया तो आपको क्या लगता है ओवरऑल जब डेवलपमेंट का बात करते हैं तापियसो एरिया के लिए इसमें बिजली का तार तो जोड़ दिया घर घर तक पहुंचा दिया लेकिन अभी तक बिजली दिया नहीं है बिजली मिला नहीं है उन लोग बस बल्ब लगाया लेकिन वो कभी जलता नहीं है हमें ये भी देखने को आया नेटवर्क कनेक्टिविटी जब बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी भी लेके आया लेकिन फिर से यहाँ का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वापस लेके गया वो वो भी सुनने को आया आपने भी सुना तो आपको क्या लगता है क्या तपियोसो में ऐसा अभी तक होना चाहिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर एरिया में जो है आपको नेटवर्क दे, कम्युनिटी देखने को मिलता है कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है लेकिन तपियोसो आज तक बैकवर्ड क्यों किस लिए हो सकता है ये अगर इन इनके आजकल का अगर ट्वेंटी सेंचुरी की अगर हम बोला जाएगा तो ये बिल्कुल भी बहुत एक दुखद एक बहुत दुख की बात है कि अभी तक जो हम लोग तपियो से हो जो तपियो से जो एक दूसरा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री रेस्ट ऑफ द स्टेट से जो कनेक्ट नहीं है ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है मैं आज मैंने एक अपना एक भतीजा भतीजी को मिला उन्होंने बोला कि वो बीमार जो बहुत सारा महीने से परे हुए लेकिन यहाँ मैं नहीं जा पा नहीं जा पा रहा हूँ जो रोड कम्युनिकेशन के वजह से तो उन्होंने ये भी शब्द कहा अंकल सितंबर uh, को शायद रोड खुलेगा होगा उसमें मेरा हम जाके इलाज करेगा तो उनको सुन के बहुत दिल तो दुख होता है तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट जो विधायक है उनको जो प्राइमरी ड्यूती वो करना चाहिए था अगर जो नहीं किया है ये उनके लिए मैंने पहले भी बोला था ये सोशल ऑडिट जो है गाँव लोग कभी नहीं छोड़ेगा और ये सोशल ऑडिट जो जारी रहेगा और मैं फर्स्ट में मैं ऑलरेडी मैं जिक्र किया हूँ इन सोशल ऑडिट में मैं भी भागीदारी हूँ इसलिए मैं अभी मिशन में, में हूँ आपको क्या लगता है हमारा जो प्रजेंट एम एल वो स्टेट का अरुणाचल का बीजेपी का प्रेसिडेंट भी है क्या उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने ये खास ता, करके ताप्यसों को डेवलपमेंट नहीं कराया जिसके कारण जो है हमें तो ये भी सुनने को आया आपने भी उनको पिछले साल जब पिछली बार जब वो विधायक में उतरे थे आपने भी साथ दिया तो आपको क्या लगता है अभी आपके आने का कारण मतलब क्या हो सकता है क्या उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया अपने एरिया के लिए अपने कॉन्स्टिटेंसी के लिए मैं पहले भी जिक्र किया जो मैं फर्स्ट में नमोरा में प्रोग्राम प्रोग्राम था जो उनका जो कर जो कुछ कमियां है उन सोशल ऑडिट में बागेदारी लोग इसलिए मैं आगे बताया हूँ उनमें कमियां हैं इसलिए मैं यहाँ में मैं अपना में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इनको जारी रहेगा लोग के साथ अकेला नहीं हूँ लोग के साथ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है इसका बाद यूथ है इसका बाद गाँव के लोग है उन लोग के साथ मैं यह शामिल हो गया हूँ और मैं ये जारी रहे जैसे अभी हमने तपेशो का कुछ गाँव वाले का बात सुना तो उन लोगों ने ये कहा है कि दुंगली गोलो तीख है अगर वो उसका जो कैंडिडेचर है वो जारी रखेंगे तो वो जरूर साथ देंगे लेकिन ऐसे ना हो कि दंगली गोलो कल को अपने कैंडिडेचर वापस ना ले ये तो वापस लेंगे ये या? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा अपना एक जुबान दे दिया कि हमको लोग के साथ में स्टैंड रहना है लोग के साथ में हमको कनेक्ट रहना है और जब जब आपने घोषित कर लिया कि आगे जारी रहेगा लोग के लिए सेक्रीफाइस मैंने अपना लाइफ को मैं सक्रीफाइस कर दिया हूँ या हारो या जीतो हम लोग के लिए हमको लगना है लोग के लिए हम चलना है अगर लोग चाहेगा जो जो काम नहीं हुआ वाला को मैं उनको कोशिश करूंगा जो प्राइमरी ड्यूटी है जो इलेक्टेड जो विधायक जो करना चाहिए उनको मैं जरूर करूंगा आखिरी सवाल सर आप तपयसो जैसे कि आज यहाँ पे आए स्पेशली इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के लोग से यहाँ के जनता से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ओवरऑल आपका कॉन्स्टिटेंसी का जितने भी अंदर आते हैं उन सबसे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आपके इस चुनाव में एक्सपेक्टेशन मैं नहीं बोलूँगा मैं भरोसा विश्वास मैं त्रास और बिलीव करता हूँ लोग लोग जो ये लोकतंत्र है लोकतंत्र का ये मंच है या मैं लोग जो कहेगा वही है वही यहाँ मेरा ये करेगा एरिया या मैं एक थ्रू सर्वे बन के बैठेगा और मैं उनमें ये करूँगा वो करूँगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मैं जस्ट अपना ड्यूटी जो मेरा जो मॉरल ऑब्लिगेशन है मैं लोग को अप्रोच करके मैं गांव-गांव के और अभियान मेरा अपना जो मिशन है मैं उनको मैं कंटिन्यू जारी रहेगा और मैं भरोसा करता हूँ लोग हमें प्यार करेगा मैं भरोसा दिल से भरोसा करता हूँ लोग बुजुर्ग जितना जो यंग जिसका बाद जितना ये बुजुर्ग लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है लोग मेरा कर्म को अगर पसंद करेगा तो उन लोग के साथ में जो काम करने के लिए मैं अगर आ, काम करने का अगर मौका देगा बिल्कुल मैं उन लोग के साथ में जरूर मैं उन लोग के साथ करूँगा माफ़ी चाहता हूँ मैं सर में एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ आप आज तपेशसों पे आए हैं तो आज आप तपयसों को क्या वादा करके जाएंगे क्योंकि ये सब देखेंगे सब को जानना चाहिए दंगली गोलो अगर जीतेंगे 2024 तो को तो आप तपेशों के लिए क्या चेंजेस लेके आएंगे चेंजेस में सबसे यहाँ में जो रिक्वायरमेंट है रोड है रोड जो मैं आगे बोला ये प्राइमरी ड्यूटी है जो रोड कम्युनिकेशन जो है जैसे कि आपका प्रधानमंत्री गर्म सड़क सर, योजना है जो है यो ये जो है जहाँ में कर सकता है उनके तौर इनको हमको सड़क बना देना है और इनको मैं अपना प्रवृत्ति में रखेगा और मैं और बड़ा चौरा के ये करूँगा ये कर नहीं बोलेंगे रोड मेरा लिए यहाँ का प्रावृत्ति होगा नंबर वन तो दोस्तों ये था दुंगली गलो जो कि 2024 में आ, ट्वेल्व पाकिस्तान में विधायक के तौर पे आ रहे एमएलए एल के तौर पे आ, कंटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं तेजी शक्ति कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ